हजरत मौलाना तारी मिल साहब के बारे में लोग कहते हैं लैंड क्रॉजर में घूम रहे हो, ये वो एक दिन बैठे हुए थे जामे में, उन्होंने खुद अपना वाकया सुनाया। फरमाया मैं 18 साल की उम्र, जिस वक्त इंसान के ना बड़े बड़े प्लान होते हैं, उस वक्त हम अंदरूने सिंध के देहातों में धक्के खाते थे, कोई हमारी बात कोई नहीं सुनता था हमारी बात। फरमाया कि कई साल धक्के खा खा के लोग क्या करते थे कि मस्जिदों से सामान उठा के बाहर फेंक देते, और ये थे बड़े ऊंचे खानदान के, एक जहां ठाट बाट देखे जमींदार थे, चौधरी थे वडेरों, इनके बाप दादा सारे इलाके के चौधरी। इतने बड़े आदमी के साथ जब ये सलूक होगा, ना घर में इज्जत, घर में भी ताने के मौलवी बन गया किसी काम करने। फरमाते थे कि हम धक्के खाते थे, तो एक दिन मैं मायूस होकर मैंने अपने एक बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा हजरत ये कब तक हम ये धक्के खाते रहेंगे, कोई नहीं सुनता। तो फरमाते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी दी, तुम ये अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हो, एक वक्त आएगा बादशाह तुम्हें बुलाएंगे, वज़रा तुम्हें बुलाएंगे।